अस्सलाम वालेकुम खातिरों हज़रात, रवां हफ्ते का पहला स्पेशल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज कर रहे हैं नए अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा से। जीत गए, जीत गए, जीत गए। सॉरी सॉरी, ओ पुत, मेरा तारफ नहीं कराया, मैं भी साहब का सदर हां। मैं को इस स्टूडियो च पखे किराए त नहीं देंदा। ये है कौन, कोई जाना पहचाना लग रहा है? तेरियां चढ़ गईं अखत चर्बी। ये वो साहब है जिन्होंने 4 साल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। एंदा सदर पुत तारीख चौना कोई नहीं, ये तुहानू दस देवा। जा पुछ जाके बानल कबामी सता ते किथे तरक्की कर करके अमरीका नू टीसी ते टंग दिता। पूरी दुनिया अगे लाई रखी आ पुत 4 साल में। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਅਗਰ ਆਪ ਮਜ਼ੀਦ 4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਨਾ, ਆਪਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾ। ਆ ਵੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤ, ਛੋ ਛੱਡ ਦੇ ਦਾ। ਆ ਜੇ ਕੋਣ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। दफा कर इनू। अच्छा मिस्टर जो बाइडन, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हल्फ उठाने के फौरन बाद पहली फ्लाइट पकड़ी है और हमारे शो। पुत, पहले मेरा दिल की गहराइयों से कर शुक्र अदा। जे मैं बाहर ना निकलता तो इन्हें किथे अंदर बढ़ना सी। इनू बाड़ता वाइट हाउस च, ये मैं मनिया ते बढ़िया उथे। शुक्र करे अल्लाह दा कि मैं मन गया बाहर निकलन ते। आपको जबरदस्ती टांगों से घसीट के बाहर निकाल देना था। ले टांगों से घसीट के जा चुका था। पुत, मैं हो जाल जमीन ते बैठ कर रटा पौना, तेनू पता ही नहीं मेरा। मेरी ते वीडियो वायरल हुई आ। एडे किथे वाइट हाउस च बढ़ सकना सी? एडा बुजुर्ग ते किधरे मकान किराए ते लैण जावे ते सब तो पहले बैंदा कि नेड़े किधरे हस्पताल है कि नहीं। ਉਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਰਟਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੜੀ ਆ। ਆਪ ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਉਨਕੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪ 19 ਸਾਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕਾ ਕਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਓ ਭਾਈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪੂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਕਰੰਟਾ ਟਰੰਪੂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਓ ਭਾਈ ਫਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਦਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। ਓ ਭਾਈ ਟਰੰਪ, ਓ ਜਾ, ਤੁਮ ਅਬ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਲਗਾਓ। अब हम बिजी लोग हैं, हमें अमेरिका के लिए कुछ करने थे। जो बाइडन बहन, पहले हाथ हमने मुगलपुरा को ठीक करना और समनाबाद को। मुगलपुरा मेरा इलाका है और समनाबाद आपका है, तो खिला कुछ ऐसे ही भी ठीक करना, वो बाद में। जाओ अब, जाओ जाओ, बहुत होगी। कौन सुना कितने वाशिंगटन तो कितने मुगलपुरा, आज रंधा या ला इना दी जेनी सता दा। जो जहां रहता है उसके लिए वही वाशिंगटन है। वाह जी वाह, सदके जावा। आदमी 16 सेंट की गल की, मुंह निकलता ही नहीं, लाख रुपये की गल की, लख कवे तेरा मुंह सड़ जाता। ये 16 सेंट की गल की, अल्लाह ने तेनू बड़ा देना, ये बिचो 8 सेंट मैनू दे दे। हाँ तो वो क्या कहते हैं, गरीबी में नाम पैदा कर, ये किन्होंने कहा जी? नाल अपना शेक्सपियर भी गंदा कराओ। तुहां वेखना करना की अमरीका ना, यह हौली हौली लग पता जाना सारी दुनिया नू। ये ट्रंपू ही सी पुत जिन्हें ताक बिठाती पूरी दुनिया च अमरीका दी। जाओ काम करो, तुम्हारे तुम्हारी हुकूमत में चाइना ने तुम्हें आगे लगाया हुआ है। लगाया हुआ आगे और क्या, चालू मेरे को एहो जे पुत, हले मैं घरों नहीं निकलिया ते आदमी फुटबॉल डिस्कनेक्ट करता। ये ना कर दे डिस्कनेक्ट, मैं निकल दी गली च सारे बटन दबा देने हैं। मिस्टर ट्रंप, अब आप बात मान ले, अब आप मैटर नहीं करते। yes. मैटर वही करता है जो कुर्सी पे बैठा है। yes. इसलिए हमें उनसे बात कर लेने दे। yes. मिस्टर जो बाइडन, आप बताएं कि आप पाकिस्तान के दवा करो से... नहीं तो ना ही सानू की। तू सुना पुत, को रिश्ता मिले तेरे पास? अब मिस्टर ट्रंप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो शादीशुदा है और उसका शौहर सराइकी है
उसके जूते का साइज 14 नंबर है। काला चश्मा यार ना ला अगे केड़ा घट सोना अपना पाशा कृष्णाबादी का की हाल है। आपकी पाकिस्तान के हवाले से आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी हो? दवाई केड़ी डॉक्टर ने दसी तेनू बाग दा क्या सुके नहीं इनू की पता पुत पॉलिसी की हुंदी है। ये जेड़ी उम्रे पहुंचे आ ये बंदा तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर नू फोन करके पुछदा लीले रंग दा कैप्सूल जारी रखा के बंद कर दिया ओ जेड़ी पीली बड़ी गोली है उहदे नाल मेरे पट्ठे खिचे जांदे आ। I am fat, super fit. Yes. Yes. United States super power. Yes. Balle. तू तो आंदा बड़ा सोबर बंदा बन गया सदर रल के मदारी कर दी चौंक लाफ्टर जनाब सलीम के हसबे हाल चो बैठे आ एक केड़े बेचारे मैं आ कामरान खान के छो च आए आ लाफ्टर पुत पर एक गल दस दवा तुहानू जद भी तुम कोई अमरीका की पुलिस ही बनानी है ना जरूर कहना कि ट्रंप सच कहता है। आपका जिक्र होगा अगले चार सालों में लेकिन नेगेटिवली होगा। जुनैद साहब एडा दो नंबर आदमी जे व्हाइट हाउस छड़ के गया ना मैं ये बेडरूम की अलमारी खोली है अंदर मैं वजाद की फोटो लाई सी। आपने अलमारी मूंगफली तलाश करने के लिए खोली? मैं क्या शायद एक अद्धी टाई मैनू भी लभ जाए। बहुत आसान फरामोश गंजिया तू तो ही ना जिदे वे मुंडे मैं बिस्कटा वाली फैक्ट्री च मुलाजम कराया ही। जुनैद साहब इन्हों के कमरे की सफाई की है बैड के थले सिगटा के टोटे पन्निया चिथिया चिंगमा लभिया जी। चमलो ए केड़ी बुरी गल आ मेरा सहुरा हों तो सिगरट पीन की आदत आ मेरे बैड से बह के सिगरट पीता है पेंडू बंदा वो सारा सिगरट चूस के बैड के थले सुट जाता है। और ते और सारे इन्हां दे कमरे दे विचों पूरा तोड़ा खाली बोतलों दा भरिया लभे टू मच चीज की बोतलें नहीं बताया जरा चपले भी दस सोडे दियां बोतलां हन बिशर्मा आ तेरी निकी भैन नूं मैं दाखल कराया ही मैडिकल कॉलेज। वैसे तो असीं तुहाडे सानां थले दबे होए आ लेकिन बंदे तुसीं दो नंबर ही है। यस 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 बिना पिया ठीक कह रहे नामराद सरकारी सान बेना पे की करता है बदतमीजी ये गोडियां नूं हाथ ला के सवेरे उठ के जांदे हुंदे हन बाहर। जो भी था अब वक्त बदल गया। अब वक्त ये बता के गया है हजूरे वाला कि आपने अमेरिका की खूबसूरत जमहूरी रवायात का कुचला कर दिया पकड़ जा। 150 साल में आप पहले आउट गोइंग प्रेसिडेंट है जिसने नए प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत नहीं की। बंदा आया ही दो नंबर तरीके ना लिया मैं कादली ओदी ओथ सेरेमनी च बंबा होते ही फैसला करने वाले ओ मैं आप देखिया मैं आना या मैं अखा बंद करके लश्करा वाले दिन फिरदा रिया कई पोटले दे मैं देखिया नाम रा दसिया ही फौरन चट के ते दूजी वारी वोट पाण आ गए आ। मैं हूं छड़ता बाइट उस मैं गल ही नहीं करता फजोल मेरे मगर पै गए तो ना तो एडी जल्दी की ब्याह कराने की वो भी इन्नी दूर जाके करा लिया लाहौर नहीं सी को मुंडा लब्बा वो लाहौर में ही रहते हैं अला हरा लाहौर ही होते हैं लाहौर शहर तो जंज चढ़ी ते टोल पिजोरों खड़के खड़के से मुझे याद है जो खड़का आपने कैपिटल हिल में करवाया है अपने हामियों के जरिए क्या किया है क्या मैसेज दिया पूरी दुनिया को पुत लोका च गुस्सा बहुत आ लोकी ट्रंपू दियां लताना चमड़ गई आपने नहीं पुत नहीं मैं नहीं किसी ने भी कहा लोकी आंदे आ ट्रंपू अहीं तेनू नहीं जान देना ट्रंपू तू पहली वारी 150 साल चो बंदा आया जिन्हें सानू दसिया अमरीका साडा भाईजान बोले बोले आप सदर है अमरीका के ये जदों बोलेगा यही कहेगा भाई बोलिया तो कहेगा यार मैं लत रखी तो मेरी लत सौ गई है।
ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਠਾਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੀਆਂ ਜੀ यार ऐसा ना करें जो बाइडन सादा और शरीफ आदमी है आप लोग मजाक उड़ा रहे मैं आना जी सादा ते इड़ा के सादगी ची नाम राद ने कार चिटकेती करा ली क्यों कुंडी चो चमची काट के दबाई पीन लग पिया डाकुआ बुआ खोल के अंदर डाका मार लिया मिस्टर जुनेद जस्ट जेलसी जेलसी है व्हाइट हॉर्स से निकलते हुए इनकी चीखें निकल गई इनकी बेटी रोने लग गई वहां से जाते हुए इनकी वाइफ ने किसी को हाथ भी नहीं हिलाया ऐ कच्चा जिहा हो गया ना ऐवें जिन्हों नींबू चाणा भी कहते नहीं ऐवें हो गया ना ते इंज कच्चा जिहा हो गया इंज करके ते जहाज बन गया व्हाइट हाउस चढ़ दिया मारिया ट्रंपू चीका मैनू लै चले हेलीकॉप्टर आले लै चले वे दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा एक अंदाजा ये है कि अब आजकल जो है वो सालाना 130,000 मवेशी जो हैं वो वतन अजीज में चोरी होते हैं और इनकी मालियत जो है वो 50 अरब रुपए के लगभग है अच्छा भाईजान आज एक लम्हा फिक्री है आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ इसकी संगीनी का अंदाज़ा शायद शहरों में रहने वाले लोगों को ना हो लेकिन हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ा मसला है जी इसलिए कि ये मसला उनका जो बेशकीमत असासा है उससे ताल्लुक रखता है वो मसला बेशकीमत असासा क्या है कौन साड़ रहे हो मसला बताओ नहीं पहले बताओ कि गांव में रहने वालों के लिए उनका सबसे जो कीमती असासा है वो क्या होता है जानवर 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 ने सॉरी जानवर सॉरी बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि जानवर मवेशी मवेशी जो है वो हमारे जो देहाती भाई हैं उनके लिए उनकी जिंदगी का सरमाया बेचारों का वही जानवर उनको खाने पीने में भी साथ देता है जानवर जो है मवेशी पाले हुए भैंसे वगैरह या मुर्गियां वैसे भी औखे सौखे वेले भी वो जब उन्होंने बेच के तो किसी की शादी करनी होती है कोई ऐसा खुशी गमी का मौका होता है तो वही जानवर उनके काम आता है लेकिन जो लम्हा फिक्री है वो ये है कि यही जानवर जब उनकी पूरी जो जमा पूंजी होती है उनका कीमती सरमाया होता है ये जब कोई रात की तारीकी में ले उड़ता है तो उनपे क्या गुजरती है जो उनकी आस और उम्मीद होती है जो उन्होंने दो दो तीन तीन चार चार साल तक पाले होते हैं बड़ा मतलब अपना पेट काट के पालते हैं बेचारे वो जानवर मवेशी जो है और कोई चोर या डाकू उनको ले उड़ता है रात की तारीखी में तो उन लोगों पे क्या गुजरती है दुख ये हमशहरी बाबुओं को अंदाजा नहीं है सर जब चोर लेने आता है चोर चोरी करने आता है बैल तो बैल जिद क्यों नहीं करते आगे से यार पूछ लो क्यों नहीं करते नहीं सीधा पूछे बैल वालों से पूछे मेरा तो बैल से तलक भी कोई नहीं तुम्हारा बैल से कोई तलक तो फिर जुल्फी का बैल से तलक है तो सर दुनिया तो बड़ी तरक्की कर गई तो जानवर वैसे ही चोरी हो रहे हैं ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि दुनिया इतनी तरक्की कर गई है हमारे यहाँ मवेशी चोरी जो है वो ना सिर्फ वैसे के वैसे बल्कि ज्यादा हो गई है पहले मवेशी चोरी जो थी वो कम थी अब वक्त गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है जानवरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है लेकिन उसके साथ बजाय चोरी की वारदातें और डकैती की वारदातें कम होने की ज्यादा हो गई हुई है और उसकी कई एक वजूहत है मतलब एक अंदाजा ये है कि अब आजकल जो है वो सालाना 130,000 मवेशी जो है वो वतन अजीज में चोरी होते हैं और इनकी मालियत जो है वो 50 अरब रुपए के लगभग है असल में बात ये है कि जो है ना जी गोरा हाँ जी या अमेरिका या यूरोप या इंग्लैंड ये लोग टेक्नोलॉजी को जिद्दत देने पे तुले होते हैं जी और हम पाकिस्तानी जो है ना वो टेक्नोलॉजी फेल करने के चक्कर में पड़े पहले इतने जानवर चोरी नहीं होते थे उसकी बड़ी वजह ये थी कि पहले एक देसी सिस्टम होता था ना हम नई टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर हुए हैं और जो हमारा देसी निजाम था किसी हद तक मवेशियों की चोरी रोकने के लिए उसको भी हमने तरक कर दिया पहले ये होता था कि शाम से लेके सुबह तक जी यानी मगरिब से लेके फजर तक जानवरों की नक्लो हमल पर पाबंदी होती थी जी बिल्कुल अगर आपको किसी इमरजेंसी में जानवर को कहीं मूव करना होता था तो पुलिस वाले रोक के आपसे पूछते थे कि आप रात के अंधेरे में जानवर कहाँ लेके जा रहे हैं अब हमने ये पाबंदी भी खत्म कर दी पहले नंबर पे
दूसरा ये हुआ है कि पहले राहदारी रसीद होती थी, अगर आपको अपना मवेशी गांव से देहात से निकालना होता था तो गांव का जो नंबरदार होता था वो आपको रसीद बना के देता था जिसपे आपका पूरे उसके जानवरों की तफसील लिखी होती थी, और अगर रास्ते में कोई रोकता था उसको भी वो रसीद राहदारी रसीद दिखानी पड़ती थी, और फिर जब आप जाके मंडी में या किसी बंदे को जानवर बेचते थे उसको भी रसीद दिखानी पड़ती थी, जैसे उसको पता चल जाता था कि ये चोरी के जानवर नहीं है, नहीं। ये फलां इन जानवरों का मालिक है और ये इन जानवरों की डिटेल है। लेकिन अब वो राहदारी की रसीदें वो भी खत्म कर दी है, आप जानवर लेके जहां मर्जी चले जाओ, कहीं आपको पुलिस नहीं रोकेगी। मैं कहूंगा कि जी राहदारी की रसीद बहाल की जाए तो लोग कहेंगे जी आप पुलिस के लिए या लोगों के लिए या सरकार महकमों के लिए एक और रास्ता खोल रहे हैं रिश्वत का, ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं। बिल्कुल नहीं यार दुरुस्त, कुछ ना कुछ होगा ही, कोई पाबंदियां होंगी तो रुकेगा ना। अब तो इतनी आसान है जानवरों की चोरी, आप खुद कह जाना माजिक होके फलानी थान से पहुंच जाए तो पहुंच जाती है। अच्छा नहीं, अब देखो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां से किया है, मतलब कैसे कैसे किया है। अब आपको यूट्यूब पे अक्सर इस तरह के क्लिप्स मिलते हैं कि एक कोई कार वाला आया, उसने 6-7 बकरियां कार में, उसने अच्छा एक क्लिप ये भी है कि उसने गाय ठोंस ली है, छोटी सी कल्टस के अंदर उसने पूरी की पूरी गाय घुसा ली है। अब ये भी हो रहा है, पहले तो चले वो लेके जाते थे। अच्छा दूसरा मामला ये हुआ है कि पहले वक्तों में खोजी जो होते थे ना वो मवेशी चोरी पकड़ लिया कर लेते, खुरे वो खुरा लगा, खुरे की मतलब निशानदेही करके वो खुरा नापते थे और खुरा नाप के वो पकड़ लिया करते थे। अच्छा अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि एक अंदाजा ये है कि सिर्फ 20% जानवरों की निशानदेही होती है, यानी 20% जानवर जो है मुश्किल से रिकवर होते हैं, 80% जानवरों का पता ही नहीं चलता, खोजी नायाब हो, खोजी खत्म हो गया ना। बाकी खोजी जो है वो एमें थोड़ी देर में ही वो खुरा नाप लेते थे कि किसने चोरी की। हाँ वो तो और भी बहुत कुछ बता देते थे और इतने एक्सपर्ट होते थे कि मतलब आपको कई कहानियां मिलती हैं कि चोरों की और खोजियों की आपस में इतनी मुखासमत होती थी, चोर जो है वो खोजियों को धोखा देने के लिए रास्ता बदलने के माहिर होते थे, एक खोजियों को उन्होंने डिसीव करना है और खोजी फिर उस जो है जो वो नया तरीका इख्तियार करते थे उसका भी तोड़ तलाश कर। उनको कहता है कि बड़ी मजेदार साइंस हुआ करती थी। खोजी तो ऐसे ऐसे होते थे कि पांव का निशान देके बता देते थे फलाने पिंड का चोर है जी। हाँ फलां का चोर है और अगले बंदे खोजी नु गल घुट के मरवा भी देते। हाँ और खोजी को बाज खोजियों पे ये इल्जाम भी होता था कि जनाब इसने पैसे लेके या तो जुर्म छुपा दिया या गलत चोर पकड़वा दिया, लेकिन इसको असल चोर का पता है। खोजी इतने एक्सपर्ट होते थे, बड़े एक्सपर्ट जी हो जे। एक करी जुल्फियर के बंदे ने कर ली माज चोरी। अच्छा। एक खोजी कवे गया चोर है, दूजा कवे नहीं साप है। रटा पै गया उधर तो बड़ा उधर ले दे हुई। फिर खोजियों ने बैठ के फैसला किया, नहीं भाई जी को है बंदा ही मगर साप पर गए। यार खोजियों ने 2 दिन की तहकीक के बाद ये पता चलाया था कि एक तो किसी मवेशी के खुरे के निशान है और साथ कहीं सुई के निशान चल रहे हैं, वो पता नहीं क्या। ओ यार मैं माज चोरी नहीं सी की थी, मैं ते गोगा जी कट्ठे जा रहे सा। गोगे दे पैर लगे सी। ओहो गोगा तो वो जी खोजी ता ही कहन यार माज ने बूट के में पा ले। अच्छा मैं जो एक तजवीज पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया में जानवरों को ट्रेस करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र हम गाड़ियों के हवाले से कर चुके हैं, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस RFID। RFID चिप होती है, बहुत छोटी चिप होती है और जानवरों के हवाले से इसका साइज जो है वो चावल के दाने के बराबर होता है। चावल का एक दाना जो है ना वो जानवर की स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा। और फिर उसके बाद आप जहां जहां वो जानवर जाएगा आप उसको पता चलता रहेगा कि ये जानवर है। अच्छा उसके जरिए आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। आपको पता है कि मेरे पास इतनी भैंसे हैं, इतनी गायें हैं, मुझे पता है कि ये नंबर है, इसको वैक्सीनेशन हो गई है नहीं हुई, पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगा और इस वक्त मेरी गाय कहाँ पे है, मेरी भैंस कहाँ पे है, मेरा बकरा बकरी कहाँ पे है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो कीमत है एक गालबन आजकल जो है वो कोई 500-600 रुपए
एक चिपके हैं सिर्फ। अगर हाँ मामूली मालियत है, कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। इसका हल एक, इसको मजीद सस्ता ये यूं किया जा सकता है कि हुकूमत इस पर ड्यूटी माफ कर दे, हुकूमत इस पर ड्यूटी माफ कर दे, तो यही जो कीमत है ये 250 रुपए पे आ जाएगी। अब 250 रुपया तो एक आम जो प्लास्टिक का टैग है जो गले में लगाया होता है वो भी इतने का आता है, तो कहां गले अच्छा। फिर उसका ये कि कोई इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि किसी चोर को पता नहीं चलता कि इसका ये चिप जो है वो जिल्द के अंदर लगती है, जहां मर्जी लगा दे वो डिटेक्ट कर ही नहीं सकता और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो दुनिया के किसी कोने में चले जाए, आपको पता है कि मेरा जानवर इसे यहां जा रहा है, अच्छा फार्म के अंदर है, घर के अंदर है, उसको कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी, अगर ये RFID पे अगर आपने ड्यूटी फ्री नहीं करनी, वैसे तो ड्यूटी नहीं भी फ्री की जाती, तो मेरा ख्याल है कि मवेशी पाल जो लोग हैं उनको ये लगवानी चाहिए, ये 600 रुपए कोई उनके जानवर से जो ज्यादा नहीं है, उनकी जान से और उसकी कीमत से। एक और काम ये किया जा सकता है, हर यूनियन काउंसिल में हमारे लाइफ स्टॉक का एक दफ्तर होता है, ठीक है, वो लाइफ स्टॉक का दफ्तर जो है वो तमाम अपने जो यूसी में मौजूद मवेशी हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, तो रिकॉर्ड इस तरह रखा जा सकता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि मोबाइल पे कोई ऐप बना ली जाए, व्हाट्सएप कर लिया जाए, उसकी जानवर की तस्वीरों का रिकॉर्ड हो, सही ठीक है ना, जो लाइफ स्टॉक का दफ्तर है वो अपने तहसील दफ्तर को भेजे, तहसील दफ्तर जिले को भेजे, जिला अपने प्रोविंस को भेजे, तो पूरा एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा और उससे हटकर यह भी हो जाएगा, एक तो जानवरों की आपको हिफाजत आसान पड़ेगी और दूसरा ये हो जाएगा कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये इस जानवर को मुदाफती टीके लगे हुए हैं कि नहीं, इनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है कि नहीं, तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तुमसे जानवर खरीदना चाहता हूं, तुम कहते हो जनाब मेरी भैंस को मुंह खुर की वैक्सीन लगी हुई है, अब मुझे नहीं पता कि तुमने वाकई लगवाई है कि नहीं, लेकिन जब मैं तुमसे जानवर खरीदूंगा और लाइफ स्टॉक की रसीद तलब करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि लाइफ स्टॉक वालों ने तुम्हारे जानवर को वैक्सीनेट किया हुआ या नहीं किया हुआ, चोरी से भी बच जाएंगे और वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं कर रहे। छोटी छोटी चीजें हैं यार जिनकी वजह से हम में परेशान हैं, वो अगर हो जाएं तो मसले का हल हल हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो ना सब जिनके टनासफड़े उठी उनकी टनहाएं भी तो देखे, उनकी टड़कियां भी तो देखे ना, हमारी क्या टनहा है जब भट्टी हुआ था दो फूल लगे हुए थे, और कितने साल हो गए अल्लाह ने अब मुझे अपने दो फूल दे दिए, और मेरे फूल जो है वो डड़खट बनने वाले हो गए, और इधर जो दो फूल लगे हैं वो पूटड़ी फूल के फूल। नाज़रीन आज एक बार तो फिर हमारे साथ मौजूद है धूप छांव आंधी बारिश और किसी तूफान और तूफान में अपने फराइज सरंजाम देने वाले हमारे लाडले ट्रैफिक वार्डन असलम साहब। लाडले किस बात के, आप बड़े डराते हैं, मुझे लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं ज्याटी पे ज्याटी ओड़ी ओटी अगौड़ी सब हमारे साथ, हमारा वाइट महकमा जो सबसे ज्यादा मजलूम है, उसके बावजूद कह रहे हैं लाडले वार्डन, लाडले किस बात के ढह गए, ऊपर से जिस तरह के आर्डर हो रहे हैं ढोना निकल, आप मां भटकटे तो आपके साथ दिल की बात कर देता हूँ, आप यकीन माने या आप, मैं अपने दिल की बात आपकी भाभी से करता हूँ या आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि दिल की बात सुनाए तो ढोना निकल जाता है, किसी के सामने अब ढोना तो नहीं ना अच्छा लगता, दिल की बात करनी चाहिए, दिल पे बोझ नहीं रखना चाहिए। आप ठीक कह रहे, आपका वैसे कुकड़ के दिल जैसा मुंह है। आपको एक बात बताऊं जी, जो नया सब ये जो भी इन्होंने ऑर्डर की है ना कि एक वार्डन को साल के बाद किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर कर, जी जी, ये जिस बंदे ने भी ऑर्डर की है, आप अगर चलाना चाहते हैं तो चला लें, अगर मैं मोटल ना हो जाऊं तो जरूर चला दें, जिस बंदे ने ये सोचा या ख्याल आया ना जिसको, उसको सिर्फ इधर बैठा के ये बता दें कि ये अगर ट्रांसफर हो जाएगा कसूर या नाड़ोवाल या कहीं बीचे हुपड़े, तो जितनी इसकी तनहा है उसमें इसका रोजाना ही डराना जाना पूरा हो जाएगा, क्या ये अपने बाल बच्चों से मिल सकता है? आप तनहा, आप दूसरे जिलों की बात ऐसे करते हैं जिसे वार्डन की तनहा आपने 2.5 लाख रुपया रखी हुई है। मेरी बात सुनो यार, जो भी सरकारी मुलाजिम है उसको किसी भी वक्त दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जा सकते हैं, जो दूसरी पुलिस है हमारी रेगुलर पुलिस उसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, सब जिनके ट्रांसफर होती है उनकी तनहाएं भी तो देखे, उनकी टड़कियां भी तो देखे ना, हमारी क्या तनहा है जब भट्टी हुआ था इधर दो फूल लगे हुए थे, और कितने साल हो गए अल्लाह ने अब मुझे अपने दो फूल दे दिए, और मेरे फूल जो है वो डड़खट बनने वाले हो गए, और इधर जो दो फूल लगे हैं वो पूटड़ी फूल के फूल, को खुश्क कंडा है मेरा,
पुलिस के महकमे में चले मैं अपनी बात ही नहीं करता। आप जो जनरल पुलिस है हमारी आम पुलिस उसका ले लें, जो बेचारा एएसआई है वो पटी हुआ है एएसआई, उसको 17-17 साल, जो सब इंस्पेक्टर है वो बेचारा 15-15 यार, इंस्पेक्टर लड़के बेचारे कई, डीएसपी एक डीएसपी मेरे सामने रोना शुरू हो गया। असलम तुम्हें क्या बताऊं बेटे, 17 साल हो गए मैं डीएसपी हुआ हूं और अभी तक डीएसपी हुई हूं। कहते यकीन करो दिल चाहता है नौकरी छोड़ के दौड़ जाए किसी फैक्ट्री में काम शुरू कर दे, मगर सच्ची बात ये है कि यहाँ पे जरा रोब डबडबा है इसलिए मैं नहीं जाता। मैं कहा बढ़िया रोब डबडबा देख लो या फिर ट्रकी देख लो, यहाँ पे तो ज्यादा होती है। आप देखें एक एसपी पट्टी होता है एएसपी पट्टी होता है, ठीक इतने साल बाद एसपी हो जाने, ठीक इतने साल बाद एसएसपी हो जाने, ठीक इतने साल बाद डीआईजी हो जाने, तो जो बेचारे नीचे वाले अमला है वो इंसान नहीं होते, उनके सर में दिमाग नहीं होता, उनके इधर दिल नहीं होता, वो क्या लकड़ी के बने होते जालिम लोग। देखना मैं मेरी बड्डू आया जो जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है ना, जो निचले तबके के साथ पुलिस के लोगों के साथ ज्यादा कर रहा है, अल्लाह ताला ने उनको इबड़ा नाक सजा दी। यार ऐसी तुम खामखा मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हो, एक यही तरीका होता है सरकारी मुलाजिम जो भी होता है वो हर वक्त जो है उसको तैयार रहना चाहिए तबादले के लिए, मखसूस मुद्दत के बाद उसकी जगह तब्दील कर दी जाती है। तनखा बढ़ाओ फिर अनाउंस दिया करो, फिर जिधर उधर जाकर रहना उसका खर्चा दो, घर में आने जाने का खर्चा दो, उधर रहने का बंदोबस्त करो, फिर करो फिर कटो मारी फिर कटो फिर मारी कटो कटो प्रयास ना रहे कोहाली कर रहे हो तुम मसलन। नहीं गौड़ी साहब आप ऐसी खुशी आते हैं यहाँ, एक तुम और एक फीका रोते रहते हो यार, पता नहीं क्या बात है। नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप यकीन करें पुलिस के अंदर 35% लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकली बेचारे मरीज बन चुके हैं, उनके दिमाग खराब हो गए हैं सोच सोच करके हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बूढ़े हो गए हैं बेचारे उनकी तड़कियां नहीं हो रही। भाई साहब जो ये जो भाई साहब हैं जिनका बड़ा बड़ी नान लगा मुंह है देखो जरा, नहीं ये करवा सकते नहीं, आपस आपस की बात करें उसने सहाफी हैं ये पढ़ जाते हैं। मैंने जितनी तुम लोगों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की है और कोशिश की है शायद ही दुनिया में किसी ने की हो। रिजल्ट क्या निकला है, करो फिर पीएम साहब को फोन, करो फिर सीएम साहब को फोन, उनको पूछो कि छठी दफा इनकी तड़कियां करो। चलो तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं तुम्हें भक्कर ट्रांसफर कर देते हैं ठीक है। यार आप तनखा वडवाए और इधर फूल वडवाए मेरे ग्रेड मेरा वडवाए और पखड़ छंड के बेशक फिर संखड़ काट दे मेरी दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। कई दफा ऐसे देखने में आया है कि मर्द जो है ना जी वो औरत को और बच्चे को छोड़ के भाग जाता है, तलाक दे देता है। हाँ जी। ऐसे खौफनाक किस्म के मर्द हैं और माँ बेचारी जो है वो माँ होती है, बिल्कुल वो सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेती है उस बच्चे की देखभाल में। एक बड़ी अजीब सी बेहिसी का मुजाहरा हमें मुआशरे में देखने को मिलता है जी। वो बात करते हुए भी ना मेरा तो दिल हिल जाता है कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है जो मर्दों की तरफ से अक्सर की जाती है। वो ये है कि पहले तो किसी घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसका सारी जिंदगी के लिए हेल्थ का इशू बना होता है, जैसे ये थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं जिनको सारी जिंदगी बेचारों को खून लगता रहता है। इस तरह के मामला जब आते हैं ना जी हेल्थ के इशू बच्चों के सामने जो पैदा हो जाते हैं किसी घर में, उधर कई दफा ऐसे देखने में आया है कि मर्द जो है ना जी वो औरत को और बच्चे को छोड़ के भाग जाता है, तलाक दे देता है। ऐसे खौफनाक किस्म के मर्द हैं और माँ बेचारी जो है वो माँ होती है वो सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेती है उस बच्चे की देखभाल में, उसकी उसके इलाज मुआलजे में, उसकी ट्रीटमेंट में। इसी तरह कई ऐसे लोग देखने में आए हैं, एक तो भाग जाते हैं बगैर बताए गायब भी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कई तलाक दे देते हैं
और उसमें फिर कोई सुनवाई नहीं होती ना औरत की ना बच्चों की। ये पिछले दिनों फिर हमने आगे भी एक दफा ये डिस्कस किया था, ये पिछले दिनों भी मलक नसार अहमद कोई सियालकोट के फैमिली कोर्ट डिवीजन सियालकोट के वो जज हैं जी जी, उन्होंने कोई ना जी 170 दिनों में को 524 ऐसे केस भुगते हैं, खवातीन को नान नफके दिलवाए हैं, 12 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे दिलवाए हैं। उसमें एक केस जो अखबार में मैंने पढ़ा, मेरा दिल हिल गया कि यार ये कितना जालिम आदमी, कितना जालिम मर्द है। कि किसी खातून के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों को ब्रेन ट्यूमर है, और वो मर्द जो है वो छोड़ के उनको भाग गया, और वो औरत बेचारी उन बच्चों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है और उनको ले लेके फिर रही है इलाज मुआलजे के लिए। अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और बड़ा ही अजर दे। वो जज साहब ने उस पे नोटिस लेके ना, मलक नसार अहमद साहब ने जी, उस बच्चे को, जो मरीज बच्चा है उसको अपने साथ बिठाया हुआ, वो अखबार में फोटो आई हुई थी, हैरान रह गया देख के। उन्होंने साथ बच्चे को बिठा के उसका बाप जो है वो अदालत में सामने खड़ा कर लिया, कटहरे में खड़ा करके उन्होंने वो की के रे रब दना, उन्होंने पैसे दिलवाए उन बच्चों के, उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त बंदोबस्त किया। मैं हैरान होता हूँ कि किस किस तरह की तबीयत का और सोच का मर्द है इस मुआशरे में, सोसाइटी में। हाँ जी, बहुत दफा पहले भी पा जुनैद ने भी जिक्र किया है इस तरह का कि जब तुम बीमार बच्चों की बात कर रहे हो, हमारा तो इतना जालिम मुआशरा है कि मर्द दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होने पर बीवी को बिल्कुल बेयारो मददगार अस्पताल में छोड़ के भाग जाता है। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा हुआ। देखो ना जरा क्या क्या यार जालिम आदमी है दुनिया के ऊपर, और फिर पूछते ही नहीं है। जबकि मैंने पहले भी जब आपने ये सेगमेंट किया था पाजनैद ने, तो उस वक्त मैंने बताया था कि कुरान शरीफ में आयत है कि आपके ये अलैदगी की सूरत में जो बच्चे जिस मर्द से पैदा हुए हैं जी, उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी है उस पे, उनकी तालीम में उनकी तरबियत में बाकायदा ये सारी चीजें आती हैं, उसके हेल्थ के इश्यूज, उसके तालीम के इश्यूज। खुदा के वास्ते दौड़ रहे हो, और यार अपने पाँव पे खड़े तो हो। अल्लाह पाक रहमत करने वाला है, अल्लाह ताला सबब बनाने वाला है, मगर इस तरह ना करो कि आप उन बच्चों को, उन लावारस छोड़ के, उस खातून को लावारस छोड़ के तो आप याशियां करते हैं। ठीक है, दूसरी शादी अगर इस्लाम में जायज है तो इस्लाम के बाकी कवानीन पे भी अमल करो। एक ही कानून पकड़ के आप दौड़े हुए हो, बिल्कुल ऐसा नहीं। अपने पैदा किए हुए जो बच्चे हैं उनके प्रॉब्लम्स हल करना आपका काम है, उनको संभालो जी। हाँ, उनको संभालो आप, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म किया हुआ है आपके लिए। और फिर यहाँ पे तो हमारे कोर्ट सिस्टम जो है उसमें फिर को अगर केस कर दे तो वो ताखीरी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हैं। हाँ, वो तारीख पे तारीख दिलवाते रहते हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं, वो औरत वो बच्चे अदालतों में बेचारे खज्जल हो रहे होते हैं। हाँ जी, अल्लाह भला करे ऐसे लोगों का जिस तरह के ये जज साहब ने सुओ मोटो लेके एक्शन और इस तरह के मसाइल हल किए हैं और खवातीन को वो नान नफका दिलवाया है। इस तरह की सूरत हाल हर जगह पे तो नहीं है, और मैं समझता हूँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस तरह के जो मसाइल हैं जो इंसानियत के हवाले से आपकी अदालत में आते हैं, वो अदालतों को चाहिए कि उस पे फौरी एक्शन नोटिस लें। हाँ जी, जबरदस्त एक्शन लें और उनको बच्चों को, उनकी जिंदगी को, उन खवातीन की जिंदगियों को देखा जाए, उनको खर्चा दिलवाया जाए। हाँ जी, उनको बाइज्जत तरीके से रहने के लिए नोटिस लिया जाए फौरी तौर पे। हाँ जी, इस तरह लावारस छोड़ जाना, बे यारो मददगार छोड़ जाना, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई है ना आफत, इम्तिहान है आपका ये, यार खुद आके वास्ते उसके लिए डट के मेहनत करो। नाज़रीन, ये था आज का हस्पे हाल, और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि लफ्जों से लगने वाले जख्म झेलकर उनको भूलने का फन या तो पागल को आता है या कामल को। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।